शिमला के कृष्णा नगर में एक घर में आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। आग इतनी भयानक थी कि इस पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग को करीब आधे घंटे तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। शिमला के कृष्णा नगर में आगजनी का मामला सामने आया है। ये घटना मंगलवार की सुबह उस समय की है जब घर के मालिक घर पर नहीं थे। पड़ोस में रहने वाले लोगों ने जब धुआं देखा तो वे तुरंत मौके पर पहुंचे। उनका कहना है कि घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था और अंदर जाना भी काफी मुश्किल था। लोगों ने अपने स्तर पर आग बुझाने की काफी कोशिश की, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि इस पर आसानी से काबू पाना मुश्किल था। अग्निशमन विभाग को इस बारे में इत्तला की गई, जिसके बाद दमकल विभाग के जवान मौके पर पहुंचे और आग को काबू करने में सफलता हासिल की। घर के मालिक का कहना है कि जिस समय ये घटना घटी वे घर पर मौजूद नहीं थे और उन्हें फोन पर इसकी जानकारी मिली। उन्होंने इस घटना में लाखों रुपए की संपत्ति के नुकसान की बात कही है। सर सामान तो फ्रिज था, वॉशिंग मशीन थी, LCD थी, दो सिलेंडर थे। मैं अगले में घर जा रहा था, जमीन की रजिस्ट्री कराने 50,000 रुपये कर्जा लिया किसी से 10,000 करके। अगले में जाना 50,000 फूक गया, उसमें कुछ जी का रखा था बलि का। क्या कारण लगता है, क्या कभी पूछा था कोई मंदिर में दिया जलाया, कोई शॉर्ट सर्किट हुआ, कुछ जानकारी आपको क्या? मेरा बेटा जो पूजा करता दिया वालता है, 7:30 बजे दिया बलता रहता, बुझा उसको बुझा देता है। बस जहाँ के बाहर निकलते हैं गैस को बंद करते हैं, लाइट बंद कर देते हैं, MC डाल देते नीचे, गैस बंद करके तम बाहर निकलते घर से। सर एक्चुअली ऐसे हुआ कि हम रूम में बाहर बैठे थे तो हमने बाहर धुआं निकलते देखा और हम तुरंत नीचे पहुंचे और देखा तो घर को आग लगी हुई थी। तो घर में ताला लगा हुआ था तो हमने काफी कोशिश की और आग बुझाने की भी और ताला तोड़ने की। फिर हमने ताला भी तोड़ा तो आग की लपटें जो बाहर को आ रही थी, तो हमने काफी प्रयास किया आग बुझाने का। फिर हमने तुरंत पुलिस को फोन किया तो तुरंत पुलिस वाले भी आ गए और फायर ब्रिगेड वाले भी आ गए, तो काफी उनका सहयोग रहा। उन्होंने आते ही काफी कंट्रोल किया आग के ऊपर, जिसके कारण आग बुझ भी और कोई जानने वाला नुकसान भी नहीं हुआ। वहीं फायर ऑफिसर DC शर्मा ने कहा कि जैसे ही दमकल जवान मौके पर पहुंचे उसके आधे घंटे के भीतर आग पर काबू पा लिया गया। गनीमत यह रही कि आग LPG सिलेंडरों तक नहीं पहुंची, अन्यथा बड़ी घटना घट सकती थी। उन्होंने आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया है। हमारे कंट्रोल रूम में 9:58 पे आई कि कृष्णा नगर के लास्ट लेन जो लास्ट लाइन है उसमें जो है एक मकान में आग लगी है। और जैसे सूचना मिली, सूचना मिलते ही हमारे कंट्रोल रूम से माल रोड से छोटा शिमला और बालूगंज से तीनों जगह से गाड़ियां मूव हो गई और जो आग थी ये बिल्कुल लास्ट लाइन जो है कृष्णा नगर की उसमें लगी थी। इस आग से अगर ये मौके पर काबू नहीं होती, इसके साथ सिलेंडर घर में थे, हर सिलेंडर किचन में सिलेंडर होता है, और ये अगर सिलेंडर तक पहुंच जाती या सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता तो ये कई मकानों को अपनी चपेट में ले लेती। गनीमत ये रही कि जैसे ही कॉल आई और दिन का समय था, फायर ब्रिगेड मौके पे पहुंची और हमारे लगभग यहाँ तक जो है कोई 30 डिलीवरी हॉज, यानी कि ये कोई 800 मीटर का स्पेल था जहाँ हमारी पूरी लाइन बिछी हुई है रोड से, और उसको काबू करने के लिए हमारे लगभग जो है 20 जवान लगातार फायर फाइटिंग कर रहे हैं। पर ये आग तुरंत जो है उसको कोई आधे घंटे के बीच ही हमने काबू कर दिया। अगर कहीं ये रात का वक्त होता तो ये आग बहुत बड़ी डिवास्टेटिंग फायर होती है और इससे बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता था। ये आग लगने का कारण वैसे संभावित कारण है, अभी हम इसको इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, शॉर्ट सर्किट ही माना जा रहा है जहां तक अभी हम जो फर्स्ट जो हमने इंस्पेक्शन किया, इसको इन्वेस्टिगेट किया, शॉर्ट सर्किट की बजाय, क्योंकि ये मकान बंद था और इसमें कोई किसी प्रकार का कोई LPG या सिलेंडर वो नहीं, चूल्हा जल नहीं रहा था, कोई भी बंद मकान था, इसलिए शॉर्ट सर्किट का ही कारण संभावित है इसमें जो आग लगने का कारण। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।